Hello everyone, so I'm Hitesh Tripathi and in this video hum koi editorial nahi dekh rahe and obviously koi topic nahi padh rahe and this is just a thought sharing video, okay, like how programming is the new JEE, okay, and obviously 5-6 minute ki video hai, bahut dimag khol video hai, theek hai, to agar aapke paas 5-6 minute hai to dekho puri video, theek hai. सो फर्स्टली लाइक सबको पता है कि 6th से कोडिंग पढ़ाने वाले हैं स्कूलों में, ठीक है. तो लाइक जैसे इंजीनियरिंग ने जेई को एक धंधा बना दिया था एंड ऑब्वियसली लाइक हर जगह कोचिंग्स और हर जगह सब प्रिपरेशन सब पागलों की तरह लगे हुए हैं. जिसका मन नहीं है वो भी जेई कर रहा है, जिसका मन है वो भी जेई कर रहा है प्रिपरेशन एंड सब एक ही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो इन लाइक अभी भी बहुत बड़ा सीनेरियो वही हो गया है एंड इन कमिंग 2 or 3 ईयर्स लाइक यही हो जाएगा, ठीक है. लाइक सब प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं, सब कॉम्पिटेटिव ही कर रहे हैं. इनफैक्ट मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई यार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हो नहीं रही है, नहीं हो रही है, मन नहीं करता. लाइक भाई यार जब मन नहीं कर रहा ना तो कॉम्पिटेटिव करते ही क्यों यार. बहुत सारी चीज़ें, वेब डेव हो गया, ऐप हो गया. अगर आप आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लाइक आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर आपको कंप्यूटर साइंस पसंद है, ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं जिस पे आप अपना हाथ ट्राई कर सकते हो. लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के पीछे झंड मरा के भागना इज़ नॉट गुड, ठीक है. आई नो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, और भी चीज़ों से मिलता है. बहुत बड़े बड़े लोग फेमस हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जो और भी चीज़ों में, लाइक यार गूगल हैक कर दो, ठीक है, और ट्विटर हैक कर दो और फेसबुक हैक कर दो अगर इंटरेस्ट है उस साइड, ठीक है. कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और लाइक प्रोग्रामिंग कोई बच्चों के लिए, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है. स्टार्टअप्स देख लो आप, स्टार्टअप्स किस चीज़ में खुल रहे हैं, प्रोग्रामिंग सिखाने के ऊपर, ठीक है. मैं कई सारे एड्स देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वो 6th क्लास से बच्चों को डेवलपमेंट ऐप बनवा रहे हैं, ठीक है. लाइक भाई बच्चे को उठ जाने दो बेड से, वो पैंट गीला करके सुबह बेड से उठता है और तुम उससे ऐप बनवा रहे हो, ठीक है यार. लाइक पेरेंट्स तो वैसे भी इन्हीं सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है. लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला जेई को तो पेरेंट्स ने बच्चों को जेई में झोंक दिया. 6th से कोटा में था मैं, लाइक मुझे इंजीनियरिंग पसंद थी और आई वॉज अ दैट टाइप ऑफ गाय, ठीक है. मैं इसलिए कोटा गया था. कोटा में बच्चों को देखोगे ना लाइक पागल हो जाओगे भाई. 6th क्लास से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लाइक जो अपनी बॉटल अपने गले में टांगते ना, जब हमें पता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग क्या होता है और मेडिकल क्या होता है, वो बच्चे तुम्हारे कोचिंग वाइब्रेंट और एलन जा रहे हैं लाइक पागलों की तरह. एक तो पेरेंट्स की गलती नहीं है इसमें एक भी, ठीक है. पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट चाहिए, तो वो जिसमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा वहीं भेजेंगे, ठीक है. पर बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है. पागलों की तरह पेरेंट्स से बात करें अपने इस चीज़ के ऊपर. एंड कई सारे स्टार्टअप्स देखो तो वही झंड मारने वाले स्टार्टअप्स हैं बच्चों की, ठीक है. हर चीज़ में कुछ भी हो रहा है, बच्चों के करियर की झंड मर रही है, ठीक है, उनके दिमाग की. इसलिए इस समय हमारी यूथ में डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सबको भाई प्रोग्रामिंग ही करनी है, सबको जेई की तैयारी करनी है, किसी को अपना इंटरेस्ट पता ही नहीं है, ठीक है. उस पे से ये कई सारे स्टार्टअप्स आपके और झंड मार देते हैं बच्चों की, लाइक अनअकैडमी हो गया और कितने सारे स्टार्टअप्स हैं. अब अनअकैडमी ने कॉम्पिटेटिव का भी कोर्स शुरू कर दिया, हाँ, पेड कोर्स. लाइक आप कोडशेफ के ऊपर बैनर देख लोगे कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े फेमस यूट्यूबर्स, आप उसका पेड कोर्स ले सकते हो. क्या तुमने इसको भी जेई बना दिया? मैथ्स साइंस तो है नहीं कि तुम रटवा दोगे, ठीक है. कॉम्पिटेटिव में कितने कोर्सेस, कितना क्या रटवाओगे भाई. तुम नॉर्मल सी सी प्लस प्लस तो पढ़ा सकते हो. कितने सारे 10-10 हज़ार के कोर्सेस बांट रहे हैं भाई फ्री पे. इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में यार. लाइक इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ. इतना सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, लाइक फिर भी लोग 10-10 हज़ार के कोर्सेस बाय करते हैं, क्यों मुझे नहीं पता. लाइक उनको या तो भरोसा नहीं होता,
फ्री के कंटेंट के ऊपर। सो लाइक लोग, ये लोग भी पागल ही होते हैं, ठीक है। जब फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, एक बार ट्राई तो करो पढ़ने की, ठीक है। लाइक पेड कोर्सेस 10,000 के भी ना, उसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप टॉपिक वाइज हर चीज़ें पढ़ते हो, उस टाइम पे आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया है, ठीक है। आप जब रियल प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करोगे ना, प्रोग्रामिंग करोगे, उस टाइम पे आपको समझ में आता है कि आपने 10,000 वेस्ट कर दिए। लाइक मैंने किसी को नहीं सुना कि उसने 10,000 का कॉम्पिटेटिव कोर्स करके बहुत तगड़ा कोडर बन गया हो, ठीक है। एफर्ट्स खुद से डालने पड़ते हैं। जब तक आप इधर उधर भटकोगे नहीं ना, हर वेबसाइट में जाके आर्टिकल्स नहीं पढ़ोगे, फ्री का कंटेंट इधर उधर, पहले कई सारे खराब कंटेंट देखोगे, फिर कोई एक अच्छा कंटेंट नहीं देखोगे ना, जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। मैं देखता हूँ लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर, लाइक कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी सीपी किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, प्रोग्रामिंग में करते हैं, बैठते हैं रोज के। अगर किसी ने कह दिया कि हाँ यार प्लेसमेंट इसी से होगा, और किसी चीज़ से तो प्लेसमेंट है ही नहीं भाई। प्लेसमेंट है और भी चीज़ों से, ठीक है। वेब डेव से भी है, डेवलपमेंट से प्लेसमेंट है, साइबर सिक्योरिटी से प्लेसमेंट है, स्कोप हर चीज़ में। बस तुम्हें अपना इंटरेस्ट देके उस चीज़ के पीछे भागना है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव भी तुम कर रहे हो ना, तो कॉम्पिटेटिव में भी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी करे पड़े हो, तो कॉम्पिटेटिव से भी प्लेसमेंट नहीं लगेगा, प्रोग्रामिंग से भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, लाइक पागलों की तरह लगे हुए हो, कर ही नहीं पाओगे, डेवलपमेंट ही नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें खुद ही प्रोग्रेस नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो पहले सब बिगेस्ट एडवाइजेस कि अपना इंटरेस्ट ढूंढो और वो चीज़ करो, ठीक है। हाँ, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, सो डोंट गो फॉर पेड कोर्सेस, फ्री कंटेंट ढूंढो, इधर उधर भटको, बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगी। मेरी खुद की भी प्रोग्रेस ही चल रही है, मैं आई एम नॉट अ प्रो, ठीक है, बट मैं भटकता हूँ चीज़ों के लिए। लाइक किसी को 10,000 या 5,000 में सीधे कंटेंट स्पून फीडिंग नहीं चाहता कि मैं कोई थाली में खाना परोस के दे दे मुझे और मैं उसको बस ठूंस लूँ, ठीक है। तो झंड मत मरवाओ अपनी, और फाइट करो हर चीज़ के लिए। और मेन थिंग कि फास्ट ग्रोथ के पीछे मत भागो, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। लाइक जो भी यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर रहे हैं कि शॉर्टकट है, ये कर लो 2 महीने में सीपी सीख जाओगे, ये कर लो 3 महीने में सीपी सीख जाओगे, मेरा रोड मैप फॉलो कर लो जैसे मैंने किया था, एक ही महीने में सीपी सीख जाओगे। 1 महीने का कोई सीपी सीखने का कोर्स नहीं होता, 2 महीने का कोई सीपी सीखने का कोर्स नहीं होता। लाइक अगर आपका दिमागी टूरिस्ट वाला है, या फिर अगर आपका दिमागी बहुत अच्छा है कि आप एक चीज़ को एक बार देखते हो, तो उससे रिलेटेड हर चीज़ आप खुद से कर लेते हो, तब तो आई सैल्यूट यू, ओके। मैं भी आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लाइक ऐसे लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एंड दे आर जस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। बट फॉर एन ऑर्डनरी गाय लाइक मी, कोई भी शॉर्ट पाथ नहीं होता, ठीक है। मेहनत करोगे जब ही फल मिलेगा, बिना मेहनत के पैसे दे के आप कुछ खाना ले लो और उसको ठूंस लो, उससे कभी सीपी नहीं आएगी, ठीक है। और व्यूअर्स की भी बहुत ज़्यादा गलती है, लाइक लोगों की भी उसमें बराबरी गलती है, फ्री कंटेंट की कोई इज्जत नहीं करता। मैं देखता हूँ कई सारे फ्री कंटेंट वेस्ट जा रहे हैं, उनमें काफ़ी टाइम तक तो लोग देखते हैं, फिर उसको देखना ही बंद कर देते हैं। लोगों को पसंद ही है कि कोई जब तक मारे ना ना हमारी, जब तक हमें मज़ा नहीं आता, लाइक जब तक कोई हमारी ले ना, जब तक हमें मज़ा नहीं आता। जब 5,000 10,000 वेस्ट करेंगे कहीं पे, उसके बाद आएंगे यहाँ भटकने के लिए। तो जब फ्री कंटेंट अवेलेबल है अच्छा, तो उसको देखो ना यार, क्यों पैसे देके फालतू मनी वेस्ट करनी है। सो और फ्री कंटेंट को शेयर भी किया करो, लाइक तुम्हें अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उसको शेयर करो ना, ताकि और भी लोग देखें। इंटरेक्टिव कंटेंट है किसी का तो उसको शेयर करो, ठीक है। इतने सारे स्टार्टअप्स के तो मैं बता ही चुका हूँ, लाइक बच्चों को तो उल्लू बना रहे हैं वो। लाइक अब मैं गाली तो नहीं देता हूँ वीडियो में, कैरी नहीं हूँ मैं, ठीक है, कैरी नहीं हूँ, मुझे गाली देना आता है, दे सकता हूँ, बट ऑब्वियसली इसको बहुत छोटे बच्चे भी देखते हैं कोडिंग का कंटेंट, तो उनके लिए गाली इज़ नॉट गुड, ओके फाइन। अब यूट्यूबर्स की बात कर लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उल्लू बना रहे हैं लोगों को, ऑब्वियसली, ठीक है। सब्सक्राइबर्स मिल गए, आपने अपने कॉलेज के नाम पे ले लिए सब्सक्राइबर्स, लाइक और या फिर अपनी कंपनी के नाम पे ले लिए सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो यार कॉलेज, पता है कॉलेज IIT और अच्छे कॉलेजेस, ठीक है, आपकी मेहनत से मिले आपको, कई बार बाई लक भी मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बाई लक मिलते हैं, और बहुत सारा डिजर्विंग लोग अच्छे कॉलेजेस में नहीं पहुंच पाते, लाइक बहुत मेहनती लोग जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो नहीं पहुंच पाते, ठीक है।
और बहुत सारे नॉन डिजर्विंग लोग अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अच्छे कॉलेजेस का बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइक जहाँ पर तुम्हारी कंपनियाँ आ ही नहीं रही हैं, तुम कैसे उन कंपनीज में घुसोगे? पॉइंट है, देखो, बींग अ मोटिवेटर, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि टीयर 3 कॉलेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत काम करती है तुम्हारी। हाँ, मेहनत तुम्हारी काम करती है, टीयर 3 कॉलेजेस में मेहनत ही काम करती है, ठीक है। बट टीयर 1 कॉलेजेस में अगर आप मेहनती नहीं भी हो, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, आप पहुंच जाओगे कहीं अच्छी जगह, ठीक है। तो वो कई बार लक चलता है यार, ये चीज़ एक खुद से सबको पता होता है, ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है, कई बार लक होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फॉलो करना लाइक छोड़ दो मेरी तरफ से। लाइक बार बार सेम वीडियोस, बार बार सेम वीडियोस, आप रोड मैप पे रोड मैप दिए जा रहे हो, आप पाथ पे पाथ बताए जा रहे हो लोगों को। भाई एक बार आप कुछ पाथ बताते हो, एक बार आप कोई पाथ बताते हो। एंड बच्चे, भाई बच्चों को क्या है, बच्चे ने तो देखा कि हाँ यार तुम अमेजोन में हो, हाँ तुम डायरेक्ट टाइम में हो, तुम्हें चीज़ें आती हैं, बट लोगों को तो कम से कम उल्लू मत बनाओ यार। लाइक इफ़ यू हैव टाइम, कंटेंट बनाओ, बहुत अच्छा कंटेंट तुम बना सकते हो। लाइक तुम्हें चीज़ें आती हैं तो तुम अच्छा कंटेंट बनाओ ना यार। लाइक बार पे बार उल्लू पे बनाए जा रहे हो, सेम पाथ दे रहे हो, एंड लोगों को तो पता है कि यार ऐसे लोगों को फॉलो करने की आदत होती है। लाइक ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा होता कि मुझे कोई इंस्पिरेशन लेने के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो आई विल ऑब्वियसली फॉलो टूरिस्ट, ठीक है, जिस जो बहुत अच्छे जगह पे है, मैं ऑब्वियसली उसको फॉलो करता, ना कि मैं क्वालिटी देखता, ठीक है। तो ये होता है, तो लाइक उनके लिए भी ये एक लाइक वार्निंग जैसा है कि अच्छा कंटेंट देखो, बजाय इसके कि कौन अच्छी जगह पे, ठीक है। तो सेम वीडियोस को बार बार देखना बंद कर दो, नया कंटेंट देखो ऑब्वियसली, एंड नई वीडियोस देखो। लाइक बार पे बार रोड मैप्स ही मत देखते जाया करो, कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो एक रोड मैप की वीडियो देखी, दो रोड मैप की वीडियो देखी, तीसरी रोड मैप की वीडियो देखी, और चौथी वीडियो आते आते तक आपको डेवलपमेंट ही नहीं करना, आप कॉम्पिटेटिव करने लग गए, ठीक है। तो ऐसा मत करो, आप कंटेंट की वीडियोस ज़्यादा देखो, रोड मैप्स की वीडियोस देखो। अच्छा, आपको जिसका रोड मैप, आपको जिसकी वीडियोस जेन्युइन लगती हैं, आप उसकी वीडियोस देखो, और एक दो वीडियोस देख ली, इनफ है यार, बार 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 रोड मैप्स की वीडियो देखे जा रहे हो। नहीं, समझ रहे होगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो लाइक जेन्युइन वीडियो, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा जेन्युइन टॉक लगी हो कि हाँ ये चीज़ हो रही है सोसाइटी में, तो इसको शेयर करो, ठीक है। लाइक बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उनको पता ही नहीं रहता कि किसको फॉलो करना है, और अच्छा कंटेंट लोगों को सजेस्ट किया करो। मैं अब अच्छे कंटेंट का भी नाम नहीं लूँगा, ठीक है, और बुरे कंटेंट का भी नहीं लूँगा। लाइक बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो टीयर 3 कॉलेजेस से हैं, और तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका वीडियो शेयर किया करो, ठीक है। और जिसकी मेहनत देख रही हो उसका भी वीडियो शेयर किया करो, बजाय इसके कि तुम इंस्टाग्राम के डांसिंग वीडियो शेयर करते हो, उसकी जगह ये वीडियो शेयर कर दिया करो, ठीक है, किसी का भला ही हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक इतना बोलना बहुत था आज के लिए, एंड आई विल ऑल्सो डू सम लाइव सेशंस ऑल्सो, ठीक है, और उसमें मैं लाइक जेन्युइन पर्सन्स को लाने की कोशिश करूँगा, जो जेन्युइनली मतलब अच्छी जगह पे हैं, और विच आर मोटिवेशन फॉर मी, लाइक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, मैं उनको लाने की कोशिश करूँगा लाइव सेशंस में। सो फॉर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो जेन्युइन, ठीक है। अगर आपको 1% बात भी सच लगी है इस वीडियो में, तो इसको शेयर करो और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।